हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में द प्लांट किंगडम चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर में अभी तक हम एक लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी एल्गी के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा जो होते हैं हमारे पास, ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट बोलते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट्स का एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस हम किसको बोलते हैं, एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर और वाटर में दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो फ्रॉग आपने पढ़ा होगा एग्जांपल, फ्रॉग को हम एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है, ठीक है। और प्लांट्स में एम्फीबियन कौन है, ब्रायोफाइटा, ये याद रखोगे आप। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांट्स विच कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा बच्चों ऐसे प्लांट्स है जो रहते तो कहां पर है, सॉइल में, ठीक है ना, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो अगर आसपास वाटर इनके नहीं होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इनके गैमेट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं मेल से फीमेल की ओर, ठीक है ना। तो जो प्लांट्स होंगे ये सॉइल के अंदर जिंदा रहते हैं और वाटर के ऊपर ये डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। और इसीलिए जितने भी ब्रायोफाइट्स होंगे ये आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि ये आपको कहां पर मिलेंगे, कूल प्लेसेस पर मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस पर मिलेंगे। डैम्प का मतलब होता है नम या गीले जो स्थल होते हैं वहां पर आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे, या फिर शेडी प्लेसेस पर देखने को मिलेंगे। तो जहां पर भी है ना वाटर के ज्यादा चांसेस होंगे, अवेलेबिलिटी के ज्यादा चांस होंगे, वहां पर आपको ब्रायोफाइट्स मिल जाएंगे। तो चूंकि इनका रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा क्या है, लिमिटेड है। तो आपको ब्रायोफाइट्स हर जगह पर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। केवल ये कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एल्गी से। एल्गी हमने पहले पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में। यदि आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 प्लांट किंगडम का चेक कर सकते हो, उसमें हमने एल्गी के बारे में बात की थी। और एल्गी के बारे में मैंने बताया था आपको कि एल्गी की थैलस बॉडी होती है और ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है। उससे जो नेक्स्ट लेवल है एल्गी से, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं वो है हमारे पास ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी के कंपैरिजन में। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। अगर हम बात करें देखो ब्रायोफाइट्स की, तो इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है ना। थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी भी। थैलस का मतलब ये था, जिन प्लांट्स के पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होती है ना, उसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी। तो थैलस के जैसी ही बॉडी कुछ इनकी दिखाई देती है, लेकिन एल्गी से थोड़े एडवांस टाइप के होते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि जो जमीन पर लेटा हुआ हो। कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है ना, आपको लग सकते हैं, तो उनको मैंने हिंदी में भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर, जिससे आप आसानी से समझ सको। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जमीन पर लेटा हुआ, ठीक है ना। तो जमीन पर लेटे हुए इनकी फैले हुए होंगे जमीन के ऊपर, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इरेक्ट भी हो सकते हैं ना, सीधे हो सकते हैं ये, और धरती से जुड़े रहते हैं। नीचे की परत इनकी जुड़ी रहती है किसके द्वारा, राइजोइड के द्वारा। तो जो राइजोइड होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। राइजोइड के द्वारा
ये धरती से जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इनके अंदर एब्सेंट होंगे क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के ही प्लांट है, ठीक है ना। वैस्कुलर बंडल तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है हायर प्लांट्स की। तो वैस्कुलर बंडल क्या होता है? वैस्कुलर बंडल हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है ना, जिनके द्वारा फूड का कंडक्शन या वाटर का कंडक्शन होता है, वो वैस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चार पॉइंट है इस स्लाइड में, ठीक है ना। पहला पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि ये सोयल के में रहते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स आपको मिट्टी में उगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होगी। अब चूंकि वाटर हर जगह तो अवेलेबल होगा नहीं, तो इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। ये केवल आपको कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ज्यादा एडवांस है एल्गी के कंपैरिजन में अगर हम देखें। और इनकी जो बॉडी है ना, प्लांट की बॉडी को हम थैलस बोलेंगे। यहाँ पे थैलस का मतलब होता है जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होती, वो थैलस बॉडी होती है ना। तो थैलस लाइक ही इनकी बॉडी होती है। प्रोस्ट्रेट हो सकती है, जमीन पर लेटी हुई, इरेक्ट हो सकती है, सीधे भी हो सकते हैं ये। और राइजोइड के द्वारा ये धरती के ऊपर जो लैंड है उससे जुड़े रहते हैं, राइजोइड्स के द्वारा। राइजोइड होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे मैंने आपको बताया वैस्कुलर बंडल इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अगली स्लाइड में चलते हैं हम। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है स्लाइड में, द मेन प्लांट बॉडी इज ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब होता है हैप्लोइड। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, मतलब हैप्लोइड। और हैप्लोइड का मतलब क्या होता है? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक है, मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? एन हैं। जबकि अगर हम जो कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनकी अगर हम मेन प्लांट बॉडी देखेंगे तो स्पोरोफिटिक होगी, 2n होगी। और अगर हम एनिमल्स में भी बात करें, एनिमल्स के अंदर भी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड, 2n है हमारी बॉडी। और जब हमको गैमिट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? म्योसिस करते हैं। और म्योसिस करने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और गैमिट बनता है, दोबारा हैप्लोइड बनता है। और यहाँ पर प्लांट बॉडी ही हैप्लोइड होती है ब्रायोफाइट्स के केस में। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज, तो गैमेटोफिटिक होती है ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी, ये आप याद रखेंगे। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, तो गैमेट्स ये किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे, मतलब एक कवर्ड होते हैं वो, है ना, एक एनवलप के द्वारा कवर्ड होंगे। जैकेटेड का मतलब ये है ढके हुए होना। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम याद कर लो। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। और एंथ्रीडियम की खास बात क्या है? ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? आर्चीगोनियम। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग, ठीक है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चीगोनियम और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो ऊगैमस टाइप का होता है। तो ऊगैमस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऊगैमस का मतलब क्या होता है? मेल गैमिट बहुत छोटा होगा साइज में फीमेल गैमिट के कंपैरिजन में, और मेल गैमिट छोटा तो होगा ही, साथ में मोटाइल भी होगा, ठीक है ना। मेल गैमिट छोटा होता है साइज में और मोटाइल भी होता है, और फीमेल गैमिट साइज में बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो इस प्रकार के जब गैमिट बनते हैं तो, है ना, गैमिट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का है। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर और एंथ्रोजॉइड मूवमेंट। और जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे,
ठीक है ना, मेल गैमेट है जो इनको ट्रांसफर होने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। ये हमने सबसे पहले पॉइंट में यही बात करी थी, है ना। तो ये सोयल में होते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा भैया, जायगोट बनेगा। और देखो अगर हम अपनी बात करें तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने पे क्या होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा। अब जायगोट क्या करेगा, जायगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा। माइटोसिस करने का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है देखो, माइटोटिकली ये डिवाइड करेगा। माइटोसिस का मतलब होता है सेल का नंबर में बढ़ना, सेल नंबर में बढ़ेगी लेकिन क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा, हर सेल में क्रोमोसोम की नंबर सेम रहेंगे। तो जायगोट, जब भी जायगोट बन जाए तो जायगोट हमेशा डिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है 2n, और माइटोसिस डिवीजन के दौरान हर सेल में क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जायगोट डिवाइड कर गया, माइटोटिकली अपनी संख्या को बढ़ाया, और जायगोट तो एक सेल का होता है ना, तो माइटोसिस करके उसने क्या बन गया, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। जायगोट ने किया माइटोसिस और क्या प्रोड्यूस हो गया, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो गया, विच देन डिफरेंशिएटेड एज स्पोरोफाइट। और अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये 2n स्टेज ही होती है, याद रखना इसको। तो फर्टिलाइजेशन होने पर जायगोट बना, जायगोट ने माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू करा और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाया, और ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो किस में डिफरेंशिएट हो गया, स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। ये भी हम एक डायग्राम को भी देख लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये मेन प्लांट बॉडी है, देखो जैसे मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना ब्रायोफाइट्स की, वो होती है गैमेटोफिटिक, और उसके ऊपर क्या लग जाता है, ये डेवलप हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है ना, गैमेटोफाइट के ऊपर लग रहा है इस तरीके से। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट कहलाता है, ठीक है। इस पर डायग्राम पर अभी आते हैं, हम दोबारा से बात करेंगे, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है ये, ठीक है। अभी थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं पहले। स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट एक प्लांट है ना, जो गैमेटोफाइट के ऊपर लग रहा है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लोइड स्पोर को प्रोड्यूस करेगा बाय मियोसिस। अब यहाँ से स्पोर बनेंगे ना, स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर, और कौन सी अब डिविजन होगा यहाँ पर, स्पोरिक मियोसिस होगी। और मियोसिस में आप जानते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार क्या हुआ, एक इससे पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है जिससे एंथ्रोजोइड का मूवमेंट हो सके। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो बनेगा जायगोट। जायगोट में कौन सा डिवीजन हुआ था, माइटोटिक डिवीजन हुआ था, है ना, माइटोसिस हुई जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो 2n रहेगा, इसने माइटोटिक डिवीजन करके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाया, तो 2n स्ट्रक्चर, और तुम्हारा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो गया स्पोरोफाइट में। तो स्पोरोफाइट कैसा है, 2n है। अब स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट है 2n, और ये स्पोर बनाएगा हैप्लोइड, तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा ना, तो इसको हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। स्पोर को बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ रहा है स्पोरोफाइट को, ठीक है ना, हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये हैप्लोइड स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना, लैंड पर, धरती पर ये जर्मिनेट हो जाएंगे, और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तुम्हारी ब्रायोफाइट की बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, उनके अंदर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बना, वो डिपेंड है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए और नरिशमेंट के लिए, ठीक है ना। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है, तो टोटली फूड न्यूट्रिशन पूरा का पूरा गैमेटोफाइट से लेता है, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स में हमको क्या देखने को मिल रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस किस के बीच में, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का फिर से बनना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ब्रायोफाइट्स में हमको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की कैसी है, हैप्लोडिप्लोंटिक। हैप्लोडिप्लोंटिक का मतलब हैप्लोइड अवस्था भी देखने को मिलती है और डिप्लोइड फेज भी हमको देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो हैप्लोइड है और जो स्पोरोफाइट बना वो डिप्लोइड है। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई, हैप्लोडिप्लोंटिक हो गई। और मियोसिस कहां पर देखने को मिल रही है आपको, स्पोर को बनाने के लिए, जाना जब हैप्लोइड स्पोर बनते हैं तो वहां पर मियोसिस होती है, स्पोरोफाइट मियोसिस करके हैप्लोइड स्पोर को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ब्रायोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट है, प्लांट ग्रुप है, ठीक है ना, जिसमें आपको किसकी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है, एम्ब्रियो की, ठीक है ना। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम आपको ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर याद रखने आपको। जैसे स्फैग्नम एक एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स का, तो स्फैग्नम स्पीसीज एक मॉस है। अभी हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं जिनको हम लिबरवॉल्ट और मोसिस कहते हैं। तो स्फैग्नम अभी याद रखो एक मॉस है और इससे हमको क्या मिलता है, प्रोवाइड पीट। पीट हम बोलते हैं फ्यूल को, किसको बोलते हैं पीट, फ्यूल को। तो स्फैग्नम से हमको क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, ठीक है ना। तो दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, मतलब इसको लंबे समय से फ्यूल के रूप में यूज किया जा रहा है, और दूसरा इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, जो ट्रांसशिपमेंट में, मतलब जो पानी के जहाज होते हैं ना उसमें जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो किसी भी लिविंग मटेरियल को अक्की अगर पैकेजिंग करनी है ना आपने, तो वो स्फैग्नम के द्वारा करी जाती है, क्योंकि स्फैग्नम के अंदर प्रॉपर्टी होती है ये वाटर को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं बारिश हो जाए, कोई मटेरियल आप लिविंग मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर, और पानी में अगर वो भीग जाए ना, तो स्फैग्नम क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे आपका जो मटेरियल होगा वो सेफ हो जाएगा, बच जाएगा, खराब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दो आपको यूजेस याद रखने हैं स्फैग्नम के, एक तो इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और दूसरा पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका यूज करा जाता है, क्योंकि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, सिंस मोसिस फॉर्म डेंस मैट ऑन सोयल। डेंस मैट का मतलब क्या है, जैसे कि कारपेट हम बिछा देते हैं ना धरती के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से मैट का बिछ जाना इस तरीके से। तो मोसिस पूरे के पूरे मतलब लैंड के ऊपर फैल जाते हैं और एक मैट के जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो जब फैल जाएंगे ना मिट्टी में, तो उससे क्या होगा, सॉयल इरोजन को ये प्रिवेंट करेंगे, सॉयल का इरोजन या मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मोसिस ध्यान रखना, सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। दे हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है इसका, क्या है, लाइकेन के साथ ये मिलकर, ठीक है ना, पोइनीर स्पीसीज के रूप में प्लांट सक्सेशन करते हैं, कहाँ पर, बेयर रॉक और या फिर सोयल में। बेयर रॉक्स का मतलब होता है ऐसी चट्टाने या ऐसी कहीं मिट्टी जहां पर कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे बेयर रॉक्स या बेयर सोयल। तो वहां पर लाइकेन के साथ जो मोसिस होते हैं या ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, वो स्टार्टिंग करते हैं सक्सेशन की, प्लांट के सक्सेशन की, मतलब लाइफ की शुरुआत करते हैं। पॉइनीर का मतलब होता है जो सबसे पहले आए, ये ना, तो जो लाइफ को क्रिएट करता है, लाइफ आती है जो ऐसी जगह पर कोई लाइफ ना हो पहले से ही, तो वहां पर ये लाइफ की शुरुआत करते हैं। और ये इनका मुख्य काम होता है, जो रॉक्स होगी, चट्टाने होगी, ये उनको तोड़ने का काम करते हैं। जो इनके द्वारा एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, वो एंजाइम्स चट्टानों को तोड़ते हैं और उनको फर्टाइल सोयल में, रॉक्स को फर्टाइल सोयल में ये कन्वर्ट करते हैं। और जब फर्टाइल सोयल वहां पर बनने लगेगी, उसके बाद फिर जो हायर प्लांट्स है उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है आने के लिए। फिर देखते ही देखते वहां पर हायर प्लांट्स आने लगते हैं और क्लाइमेक्स कम्युनिटी
बन जाती है वहां पर, तो इसको हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। जब आप 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा ये प्लांट सक्सेशन का, है ना, वहां पर इस बात को आप पढ़ते हो। तो याद रखना कि ये स्टार्टिंग करते हैं लाइफ की, जहां पर जिस जगह पर कोई लाइफ नहीं है, है ना, वहां पर लाइफ की शुरुआत ये करते हैं लाइकेन के साथ मिलकर ब्रायोफाइट्स, तो उनको हम बोलते हैं पॉइनियर स्पीसीज। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि ये डिकम्पोज करेंगे रॉक्स को, चट्टानों को, है ना, और क्या बनाएंगे, सबस्ट्रेट बनाएंगे। सबस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर सोयल बनाना, फर्टाइल सोयल बनेगी और सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। और फिर जब सोयल बन जाएगी तो वहां पर हायर प्लांट्स की ग्रोथ भी आपको देखने को मिलने लगेगी, ठीक है। द ब्रायोफाइट्स आर मेनली डिवाइडेड इंटू लिवरवॉर्ट्स एंड मोसेस, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स को हमने लिवरवॉर्ट्स में और मोसेस में डिवाइड किया है, दो प्रकार के हैं ये, तो ये दो प्रकार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है जिसमें हेडिंग डला हुआ है लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स को हम पढ़ते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं ब्रायोफाइट्स, लिवरवॉर्ट्स होते हैं और मोसेस होते हैं। तो लिवरवॉर्ट देखो, प्लांट, इनकी प्लांट बॉडी क्या है, डोर्सो वेंट्रली थैलोइड। डोर्सो वेंट्रली का मतलब क्या है, डोर्सो मतलब डोर्सल, ऊपर की सरफेस को डोर्सल कहते हैं, और वेंट्रल बोलते हैं नीचे की सरफेस को। तो दो सरफेस होती है इनके पास, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस होगी, नीचे की सरफेस होगी। तो डोर्सो वेंट्रली और थैलोइड बॉडी होती है इनकी, मतलब ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम इनमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट इसका जो आपको याद रखना है, मार्केंसिया, ठीक है ना, लिवरवॉर्ट का एक एग्जाम्पल है। लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ट्रू स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक का मतलब क्या है, लीफ भी नहीं है इनके पास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। तो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दो रो में लगते हैं, ठीक है ना, जो इनके अंदर लीफी मेंबर पाए जाते हैं ना, वो किस तरीके से पाए जाएंगे आप, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दो रो में अरेंज होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद कर लेना फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, ठीक, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके अंदर जिसको हम बोलते हैं गैमा, और इस गैमा के द्वारा क्या होता है, गैमा के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवरवॉर्ट्स के अंदर। ये गैमा का हम फोटो दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये मार्केंसिया का डायग्राम है, आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रायोफाइट, ठीक है ना, और लिवरवॉर्ट क्या एग्जांपल है जो स्टार्टिंग में दे रखा है आपको, मार्केंसिया, और दो दिखा रखे हैं आपको मार्केंसिया, एक फीमेल थैलस दिखा रखा है और दूसरा मेल थैलस दिखाया हुआ है, मेल बॉडी दिखाई हुई है। तो फर्स्ट में देखोगे आप यहाँ पर ये राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, रूट के समान स्ट्रक्चर है ये, राइजोइड बोलते हैं इनको, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको राइजोइड, और ये है तुम्हारे गैमा कप, है ना, इधर ये तुम्हारा फीमेल है और ये दूसरा डायग्राम जो दे रखा है ये मेल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आर्किगोनियो फोर है फीमेल के अंदर और एंथ्रीडियो फोर होता है मेल के अंदर, ठीक है ना, इनको भी अब हम पढ़ते हैं। अभी आप गैमा कप पे फोकस करिए, तो गैमा कप क्या होता है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की साइट होती है, ठीक है ना, गैमा कप के द्वारा, गैमा कप है इसके अंदर, ठीक है ना, गैमा पाया जाएगा जिसके द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो गैमा क्या है, गैमा ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड होती है, ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है और एसेक्सुअल बर्ड होती है। ये डेवलप होगी एक छोटे से रिसेप्टिकल में, रिसेप्टिकल का मतलब होता है पात्र, पात्र का मतलब जैसे कि कोई बर्तन लाइक स्ट्रक्चर हो कोई, ठीक है ना, पोर्ट, तो छोटा सा एक क्या होता है रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप, उसको हम गैमा कप कहते हैं, और लोकेटेड ऑन द थैलाई, है ना, जो थैलस बॉडी है ना उसी के ऊपर गैमा कप लगे होते हैं, और उस गैमा कप के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, गैमा की, और ये गैमा क्या होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके द्वारा। और
जब ये डी अटैच हो जाएगा, मतलब ये जो मेन प्लांट बॉडी होगी उससे अलग हो जाएगा और अलग से जर्मिनेट होकर एक नया इंडिविजुअल बना देगा। ठीक है, तो मार्केंसिया के अंदर आपको मेल सेक्स ऑर्गन जो दिखाई देगा उसका नाम है एंथ्रिडिया। ठीक है ना, और एंथ्रिडिया जो प्रोड्यूस होंगे आपके रिसेप्टिकल के अंदर उसको हम बोलते हैं एंथ्रिडियो फोर। ठीक है ना, एंथ्रिडियो फोर रिसेप्टिकल का नाम है जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं एंथ्रिडिया। और आर्चिगोनिया कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन कहां पर बनेंगे, ये प्रोड्यूस होंगे एक रिसेप्टिकल के अंदर जिसका नाम है आर्चिगोनियो फोर। तो अभी डायग्राम में आर्चिगोनियो फोर एंथ्रिडियो फोर हमने देखा था, एक बार और देखते हैं। आर्चिगोनियो फोर ये रिसेप्टिकल है, इसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और ये तुम्हारा एंथ्रिडियो फोर है। ठीक है ना, रिसेप्टिकल और इसके अंदर बनेगा तुम्हारा मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रिडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है आर्चिगोनिया। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीता एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे का पार्ट कहलाता है फूट, फिर बीच वाला पार्ट कहलाता है सीटा और सबसे ऊपर कैप्सूल होता है। ठीक है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। और कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। कैप्सूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है ना, ये फूट सीता भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक बॉडी दिखाई हुई है ना, ये तो गैमेटोफाइट बॉडी है। इसके अंदर ये लग रहा है स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट का जो निचला पोर्शन होता है वो यहाँ पे लेवल नहीं कर रखा, उसको फूट बोलते हैं। ये मिडिल देखा रखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सीटा। और सबसे टर्मिनल पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं उसको। ठीक है ना, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं सीटा और जो नीचे का पार्ट होता है ना उसको फूट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर मियोसिस, जब मियोसिस हो जाएगी तो स्पोर प्रोड्यूस होंगे। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है स्पोर, मैंने अभी बताया आपको, कैप्सूल के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और जब ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे तो एक नई ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम था आपका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोसिस को। मोसिस भी क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो मोसिस गैमेटोफाइट हैज टू स्टेज, इनकी लाइफ में दो स्टेज आती है। ठीक है, पहली स्टेज का नाम है प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। देखो मोसिस के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है, जबकि लिवर वॉर्ट्स के अंदर क्या बनना था, गैमा। याद रखना, गैमा बनता है लिवर वॉर्ट्स के अंदर। और मोसिस के अंदर दो स्टेजेस है, प्रोटोनिमा स्टेज जिसको बोलते हैं, एक प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है और एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है। तो फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। और जब स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे ना तुम्हारे, तो जो जर्मिनेट होने के बाद जो बनेगा प्लांट बॉडी उसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं। और प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज क्रीपिंग होती है, मतलब रेंगने वाली, वो इरेक्ट नहीं होती है, धरती के ऊपर रेंगती है वो, समझ रहे हो, फ्लैट। और ग्रीन होती है, ब्रांच भी होती है और फिलामेंटस होती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है प्राइमरी प्रोटोनिमा की, इसको आप लिख लो, याद कर लो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। जो प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो क्रीपिंग होती है, ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी और फिलामेंटस होती है। जो सेकेंडरी स्टेज है वो लीफी स्टेज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीफी स्टेज बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज को, उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे हम। और किससे डेवलप होगी ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगी। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है उसके में लेटरली बड अराइज होती है ना, लेटरली बड के रूप में सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगी, विच कंसिस्ट ऑफ। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखी है आपको सेकेंडरी प्रोटोनिमा की, ये अपराइट होगा। ठीक है ना, सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंजमेंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्पाइरल का मतलब गोल गोल मैनर में लीफ अराइज होती है, लीफ निकलती है। ठीक है ना, और ये अपराइट होता है। जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो क्रीपिंग है, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस।
सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो अपराइट होगा, सिलेंडर एक्सिस होगी, ठीक है ना, और स्पाइरली अरेंज होती है लीफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। दे आर अटैच टू द सोयल, और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो अटैच हो जाता है किससे, सोयल से, थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। राइजोइड मैंने बताया था आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा सोयल से अटैच हो जाता है, ठीक है ना, राइजोइड के द्वारा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा बियर सेक्स ऑर्गन्स, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो स्टेज है उसमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है इनमें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा पाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, और बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया क्या होगा मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट, है ना, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा की लीफी शूट है उसकी अपेक्स पर ये प्रोड्यूस होते हैं सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बनेगा, और जायगोट किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, और स्पोरोफाइट के तीन स्ट्रक्चर होते हैं फुट, सीता और कैप्सूल, ठीक है ना, वो भी हमने डायग्राम में भी देखे हैं। स्पोरोफाइट इज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ लिवर बोल्ट, अगर कंपेयर करो आप लिवर बोल्ट से मोसिस को, तो मोसिस का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा इलेबोरेट होता है, मतलब ज्यादा डेवलप होता है लिवर बोल्ट से। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, ये भी बात हम देख चुके हैं। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, ठीक है ना, जब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है तब स्पोर की फॉर्मेशन होगी। द मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल का मतलब होता है स्पोर का बिखरना, ठीक है ना, जिससे वो जर्मिनेट हो सके, तो ज्यादा विकसित मैकेनिज्म होता है मोसिस के अंदर स्पोर डिस्पर्सल करने के लिए। क्या क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर मोसिस के, ये आप याद कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्यूनेरिया है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोलीट्राइकम, और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्फैग्नम, जिसको पीट मोस भी कहते हैं। तो तीन एग्जाम्पल आपको मोसिस के याद करने हैं, फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, और लिवर बोल्ट का आपको एक एग्जाम्पल याद करना है मार्केंशिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रायोफाइट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगला ग्रुप जो आएगा हमारे पास टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। आपको ये जितना भी मैंने ब्रायोफाइट पढ़ाया है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, 100% सारी की सारी लाइनें हमने एनसीईआरटी से ले रखी है, ठीक है ना। आप साथ में एनसीईआरटी को लेकर भी बैठ सकते हैं, और जितने आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आप इनको कॉपी में भी लिख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। बार बार इन पॉइंट्स को आप रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टेरिडोफाइटा के साथ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।